Namaskar, myself Chaudhary Monica. I study in 12th standard. My school name is Maharishi Public School, जो कि अभी रोबोटिक एरोस्पेस स्कूल बन चुका है. चलिए आपको सैर कराते हैं डिजिटल लैब की. ये है हमारी लैब का मेन एंट्रेंस और ये है हमारा एक लैब लैपटॉप सेक्शन, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह, मतलब यहाँ पे डिजाइन प्रिपेयर करेंगे हम. सबसे पहले तो मोटर व्हीकल्स की या फिर कोई मोटर की, मतलब जैसे मोटर रोबोट्स होते हैं, कार्स होती हैं, इन सब के डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे. इसके आगे हम आपको ले जाते हैं डिजिटल लैब के डिजिटल क्लासरूम में. कम इतनी सेम हियर. यहाँ पे भी हम चार बच्चों को, मतलब चार बच्चे एक साथ हम बैठ के प्रिपेयर करेंगे डिज़ाइन, यानी मोटर्स से संबंधित जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे संबंधित जितनी भी डिज़ाइन होती है उसको हम लोग इस पर प्रिपेयर करेंगे. और सेम टू सेम यहाँ पे हम उस डिज़ाइन है वही प्रिपेयर करने वाले हैं. इंडिया मतलब एक साथ में चार बच्चे बैठ के डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे ये लैपटॉप में. और ये है हमारा, मतलब हम डिज़ाइन को जो 3D लुक देने वाले हैं हम वो सब इन सब चीज़ों की मदद से देंगे. मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं और इनसे मतलब हम जो चीज़ें हम इनमें जो डिज़ाइन करने वाले हैं उनसे हम लोगों को मतलब 3D लुक देने वाली ये सारी चीज़ें काम आएंगी हमें. और ये है हमारा लैपटॉप सेक्शन. मतलब हर एक बच्चे को हम किस तरह, मतलब लैपटॉप के बिना टेक्निकल लैब है ऑब्वियसली, तो हम लोग लैपटॉप के बिना तो कुछ कर नहीं सकते. तो ये लैपटॉप हम ना हर एक बच्चे को लैपटॉप प्रोवाइड करवाएंगे और उसके बाद में उनको है ना डिज़ाइन खुद उनके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए मतलब काबिल बनाना है. और ये और भी बहुत सारे वोल्ट मीटर है, कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. इतना ही नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब सुरक्षा का भी पूरा ध्यान है. मास्क हैं, ग्लव्स हैं. और ये है हमारे डिजिटल लैब में ओब्वियसली कार्ड शार्ट करेंगे और फिर हमें आई साइट वीक ना हो जाए इसके लिए हमें ये गॉगल्स प्रोवाइड करे जाएंगे हर एक स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी आई साइट पर कोई फर्क ना पड़े. मतलब ओब्वियसली हम लोग बार बार लैपटॉप देखेंगे, हर चीज देखेंगे. और इसके बाद में हम चलेंगे प्रोजेक्टर सेक्शन में. ये है मतलब प्रोजेक्टर सेक्शन, जो अभी लगा नहीं है तो प्रोजेक्टर सेक्शन लग जाएगा. मतलब यहाँ प्रोजेक्टर सेक्शन लगने के बाद में दिल्ली से, यानी अपने देश की राजधानी है आपको सबको पता ही है, दिल्ली से हम यहाँ पे उन बच्चों को लाइव ऑनलाइन क्लासेस मतलब दिलाएंगे और टेक्निकल लैब यानी टेक्निकल चीज़ों के बारे में शिक्षा दिलाएंगे. और अब हम लोग लेके चलते हैं आप सबको डिजिटल लैब के वर्क स्टेशन पे. सो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे डिजिटल लैब के वर्क सेक्शन पे. प्लीज कम विद मी. ये है हमारे डिजिटल लैब का हार्डवर्क सेक्शन. इसमें हम मतलब जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनकी कटिंग करने के लिए हमें ये मशीन है. इन मशीन से हम डिजिटल चीज मतलब जितनी भी हम कोई भी चीज़ हार्डवर्क की जितनी भी चीज़ें उनकी कटिंग करेंगे. और ये है मतलब स्टिचिंग करने के लिए काम आएगा. और ये भी आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबने देखा भी होगा. ये है ड्रिल मशीन. अब हमें पता चलेगा ये ड्रिल मशीन काम कैसे करती है. हमें ये तो पता है कि ड्रिल मशीन काम क्या करती है, पर कैसे करती है ये भी हम यहाँ देखेंगे. और ये सारे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं बहुत, तो मतलब हार्डवर्क सेक्शन के लिए जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे. और अब हम आपको लेके चलते हैं सेंसर जोन में. ये है हमारा पूरा सेंसर जोन. सेंसर जोन काम करता है किसी भी रोबोटिक चीज़ में, मतलब उसके ना अपने आप काम करने के लिए उसको बनाया जाता है. ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे. मतलब कितना इंटरेस्टिंग है इन सबको, मतलब आप देखना प्लीज़ विजिट करिएगा. या जितना इस वीडियो में इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको अपनी आँखों से देखने पे. और अब चलते हैं हम यहाँ ये टेलीस्कोप. ये है हमारा टेलीस्कोप. तो हमें पता है टेलीस्कोप कैसे काम करता है पर हमने देखा नहीं है. और इसमें हम रात में तारे देखेंगे, अलग अलग तरह के स्टार्स और बहुत
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर मुझे इतना ही नहीं, काम लोग हार्डवर्क सेक्शन में हम लोगों को पता है कि नॉर्मल चीज़ें तो काम नहीं आ सकती, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सीजर्स बोलते हैं, कैंची हैं और बहुत सारी मतलब ये देखिए आप इसमें अलग अलग नाइफ मिलेंगी आपको, और ये बहुत अलग अलग जो चीज़ें हैं जो हम हार्डवर्क सेक्शन के भी काम आएंगी, जो हार्डवर्क हार्डवेयर होते हैं ना उनको कटिंग करने के लिए, उनको जॉइंट करने के लिए, और ये हैमर आप देख सकते हो हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हम अपने हार्डवर्क सेक्शन को देख सकते हैं। यह है हमारे शरीर के अंदर मतलब हमारे इसको कनेक्ट करेंगे हम लैपटॉप में, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है सब इसमें हम देख सकते हैं कनेक्ट करने के बाद में ही। और ये है हमारे सेंसर जोन कंपोनेंट्स हैं, ये होल्डर देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आ गई, और सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ये रोबोट जोन, मतलब रोबोटिक चीज़ें, मतलब हमें इसे पता चलेगा कि किस तरह रोबोट बनाए जाते हैं, हाँ किस तरह मोटर व्हीकल बनाए जाते हैं, मतलब रोबोट से संबंधित जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मतलब थ्रू अपने हाथ मतलब अपने हाथों से बनाएंगे और अपने आप अपनी आँखों से देखेंगे किस तरह बनाई जाती हैं। ये है इंजन, ये इस इंजन से हमें पता चलेगा कि किस तरह वो इंजन मतलब बनाया रियल इंजन होता है ना, किस तरह बनाया जाता है, कैसा होता है क्या नहीं होता। और ये आपको आपने देखा होगा अपने एम्बुलेंस में और मतलब पुलिस की जो वो आती है गाड़ी उसके अंदर ऊपर सायरन बजता है, वो सायरन किस तरह बजता है, क्यों बजता है, कैसे बजता है, ये सब इसमें इसके जो छोटा सा रोल मॉडल है उसके थ्रू बताया जाए। रेडियो एंड टीवी सेक्शन मतलब इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह हम रेडियो और टीवी बनाए जाते हैं। ये है गॉगल्स ऑब्वियसली जो हमारी आँखों का आई मतलब आईज पे हमारे आपको भी साइड इफेक्ट ना हो। और ये है हार्डवेयर ग्लू जिसमें हम नॉर्मल ग्लू से तो कोई भी हार्डवेयर को चिपका नहीं सकते, ये हार्डवेयर ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो हार्डवेयर को चिपका दे, तो ऑब्वियसली इसमें इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये है 3D प्रिंटर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीरियसली, बिकॉज इसमें हम मतलब जो डिज़ाइन हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं लैपटॉप में उन डिज़ाइन को हम इसमें 3D लुक से देख सकते हैं कि वो एक मॉडल के रूप में किस तरह दिखेगी, और उसके बाद में उन मॉडल के मॉडल को लेके उसके बाद में जो उसके जो रियल जो है ना उसको क्रिएट करेंगे। तो ये है वायर्स, ये जो है वायर्स हैं, इन वायर्स के थ्रू है ना जो प्रिंट जो हमने भी प्रिंट किया है लैपटॉप में उन इन वायर्स के थ्रू वो 3D लुक यहाँ पे क्रिएट होगा। और ये देखो हमने एक पेन स्टैंड बनाया है जिसको हमने पहले लैपटॉप में इसका जो भी पिक्चर था वो क्रिएट किया, पहले उस पिक्चर को बनाया और उसके बाद में उस पिक्चर को हमने इसमें मतलब वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया और उसके बाद में ये पेन स्टैंड हमारे लिए बन के रेडी हो गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं कॉम्पोनेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स। ये हैं हमारा कंपोनेंट्स जोन, इसमें आप देख सकते हैं ये है मोटर जो हम मतलब हमने देखी होंगी मतलब छोटी बड़ी गाड़ियों में भी लगी होती हैं, हम लोग जो टॉय कार होती हैं उनके अंदर। और ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ LEDs कलर LEDs हैं, येलो ग्रीन रेड या वाइट, ये वायर्स हैं, ये सेंसर हैं, ये मतलब ट्रांजिस्टर हैं, और ये हमने मोबाइल यूज़ किया ही है और हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये मोबाइल के अंदर के पार्ट्स हैं, पूरा मोबाइल का है। और ये है वायर्स कनेक्टिंग वायर्स, वॉच, ये है LED वॉच जो हम छोटी छोटी LED डिजिटल वॉच देखते होंगे जो उसमें रेड रेड कलर के ना नंबर्स आते हैं, ये वो छोटा सा उसका एक नमूना है। और बहुत सारी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। और ये है हमारी टोटल वेब जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, देखने से कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग होगा। ये है हमारी टेबल जिनमें बच्चे खुद एक अपने आइडिया जो अपना उनका खुद का जो आइडिया है उसको क्रिएट करेंगे यहाँ पे बैठ के, और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है आप देख सकते हो।
सब कुछ दिखा तो दिया है, पर ये मेरे बताने से ज्यादा अच्छा आपको देखने में लगेगा। सो प्लीज विजिट, मतलब आप यहाँ पे एक बार आइए और अपनी आंखों से देखिए कि लैब कितनी अच्छी है। तो सो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे ये जरूर आशा रखूंगी कि आप यहाँ पे आएंगे और आप अपने आप में देखेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।